हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 2.11 दी गई है उसको डिस्कस करेंगे और टेबल 2.22 के अंतर्गत जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं उनका जो पीएच वैल्यू है उसको डिस्कस करेंगे और उनका पीएच पेपर पे जो कलर आता है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 10th एक्टिविटी 2.11। टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.22। आपको एनसीईआरटी में एक टेबल 2.22 दी गई है तो उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं उन डिफरेंट सब्सटेंसेज की आपको जो पीएच वैल्यू है उस पीएच वैल्यू को आपको राइट करना है और वहाँ पर गिवन सब्सटेंसेज के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, जो पीएच इंडिकेटर है, पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच जो पेपर है उस पीएच पेपर पर किस तरह का जो कलर आएगा उसको आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ईच सब्सटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको यह भी पता करना है कि जो वहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेज दिए गए हैं तो आप जो जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप उसको क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, गिवन सॉल्यूशन बेसिक है या फिर उस गिवन सॉल्यूशन का पीएच कितना है, किस रेंज के अंदर उसको प्लेस किया गया है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल 2.22। यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल है यहाँ पर जिनका आपको पीएच वैल्यू क्या करना है, राइट करना है और उनका पीएच पेपर पे जो कलर होगा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली जो पीएच वैल्यू होगी उसको क्या करना हमें चेक करना है। तो ये क्या हमारे पास एक एक्टिविटी है सलाइवा, ठीक है, बिफोर मील कलर ऑफ द पीएच पेपर, ठीक है। इसको हमने जनरली राइट नहीं किया, वहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि इसका जो पीएच होता है बिफोर मील तो ये क्या लगभग 7 के आसपास है, तो थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है ऊपर नीचे चेंजेस होते रहता है कि किस तरह का हम मील ले रहे करके, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं आता क्योंकि पीएच जो 7 होता है वो पीएच 7 क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के आसपास ही है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट कलर आएगा तो उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कलर की पीएच की बात करें तो 7.4 होता है बिफोर मील, यानी अगर हमने खाना नहीं खा रखा है तो खाना नहीं खाने से पहले जो सलाइवा होता है, ठीक है, जो मुंह में लार होगी, सलाइवा होगा, तो उसका जो पीएच होता है अप्रॉक्सीमेट 7.4 के आसपास होगा। 7.4 के आसपास है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइटली इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इसका स्लाइटली नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज बेसिक नेचर, क्योंकि 7 क्या होता है न्यूट्रल और 7 से आगे क्या होता है बेसिक सोल्यूशन होता है, 7 से नीचे वाला जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एसिडिक सोल्यूशन की होती है। सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है, वही जो हमारे पास क्या है मुंह में जो सलाइवा होता है लार जो होती है, ठीक है, तो उसका खाना खाने के बाद जो पीएच होगा इसकी जो वैल्यू होती है, इफ एसिडिक फूड स्लाइटली लेस इज एसिडिक लेस इफ बेसिक फूड स्लाइटली रेज अप टू 8। अगर हम क्या करेंगे एसिडिक खाना खा रहे हैं, जैसे हमने क्या क्या नींबू पानी पी लिया, तो नींबू पानी पी लिया तो वो क्या अपने आप में एसिडिक है, तो उसके बेस पे क्या होगा जो सलाइवा होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ठीक है। और अगर हम क्या कर दें बेसिक सॉल्यूशन लें, ठीक है, कुछ हम ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं जो क्या अपने आप में हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन किया हुआ है, तो उस केस पे इसका जो पीएच होगा वो स्लाइटली क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, तो अप टू 8 रेज अप टू 8, तो 8 तक क्या होगा इसका पीएच पहुंच सकता है। याद रखिएगा हम डिफरेंट टाइप्स के एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को लेते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक फूड को हम क्या करते हैं यूज करते हैं, जैसे हमने नींबू पानी लिया, नींबू पानी तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें ये नहीं होता कि आपका जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, इसमें वेरिएशन नहीं आता। ब्लड को आप जानते होंगे ब्लड इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, ब्लड को क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन के नेम से जाना जाता है। तो हमारे पास क्या होता है जो ब्लड है उस ब्लड का पीएच ज़्यादा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, नहीं तो ऐसे क्या होगा कोई खट्टा पदार्थ ले रहा है, ठीक है, खट्टे पदार्थ ले रहा है तो उसका पीएच तो पूरा खट्टा एसिडिक हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है अपने आपको मेंटेन कर किए रखता है। लेमन जूस, अगर हम लेमन जूस की बात करें तो इसका जो पीएच पर जो कलर आएगा, पीएच पेपर पर जो कलर आएगा वो आ गया हल्का रेडिश येलो, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली पीएच की बात करें तो 2.2 2.2 के आसपास क्या होगा इसका लगभग पीएच है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इसका क्या इसका रेडिश येलो होगा, ये भी क्या अपने आप में थोड़ा सा एसिडिक है तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना 4 के आसपास रहेगा। कैरेट जूस, गाजर के जूस की बात करें तो इसका 6 के आसपास है, ठीक है, तो लगभग 6 के आसपास अगर हम पीएच पेपर में देखें, ठीक है, तो पीएच पेपर में जो 6 होगा उस 6 के आसपास का जो कलर है वो क्या होगा थोड़ा सा लाइटिश
येलो कलर होगा, ठीक है। लाइटिस कैसा है, येलो कलर होगा, हल्का पीला जैसा रंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जनरली मार्क नहीं किया हुआ है। कॉफ़ी, कॉफ़ी की बात करें तो लाइट येलो, ठीक है, 4.5 के आसपास है, तो ये भी क्या है, लाइट येलो। अब देखो 4.5 क्या है, 4.5 कैरेट जूस, और अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का पीएच क्या है, ज़्यादा मतलब पीएच कॉफ़ी क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, जबकि जो कैरेट जूस है उसकी तुलना में कम एसिडिक है। तो जो कैरेट होगा, कैरेट की तुलना में जो कॉफ़ी होगा, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसके हिसाब से एक आपके पास कलर पेपर दिखेगा, आपकी ये हमारे पास क्या है, कलर पेपर है। कलर मतलब दिस इज कॉल्ड नॉट कलर पेपर, दिस इज कॉल्ड पीएच पेपर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेज का क्या दिखा रखा है, आपको कलर दिखा रखा है, उसमें सब्सटेंस रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर हमने किसकी बात की थी, सिक्स, ठीक है, सिक्स किसका है, गाजर के जूस की बात करें तो सिक्स कहाँ पर, यहाँ पर पीएच है, तो ये वाला कलर क्या हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा लगभग, ठीक है। और हमारे पास दूसरा सब्सटेंस क्या था, कॉफ़ी, कॉफ़ी का कलर लाइट येलो कह रहे हैं, तो 4.5 के आसपास इसका पीएच है, तो इसका जो कलर होगा वो यहाँ पर करीब मान सकते हैं, ठीक है, इसके आसपास क्या होगा, इसका कलर होगा। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट कलर क्या होगा, यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिटर्न कर सकते, राइट कर सकते हैं। टोमेटो जूस भी क्या अपने आप में एसिडिक है, टोमाटो के अपने आप में एसिडिक है, और इसका भी कलर क्या होगा, येलोइश कलर होगा। टैप वाटर का जो पीएच होगा वो 6 to 8.5, 6 से 8.5। अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर कितना होता है, 7, तो वो तो न्यूट्रल होता है। जब हमारे पास क्या होगा, टैप वाटर, तो 6 to 8.5, ठीक है, ये क्या इसका पीएच रेंज है। तो आप इसको देख सकते हैं, तो 6 यहाँ से स्टार्ट होगा, 8.5 करीब इतना, तो इस ढंग से कलर क्या होगा, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो इस कलर को आप राइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। 1 molar HNOH, 1 molar, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये अपने आप में क्या देगा, डार्क ब्लू देगा, ठीक है। डार्क ब्लू का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा सबसे ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि सब जो पीएच होता है हमारे पास, पीएच पेपर कितना होता है, 0 से 14 की जो डिजिट होती है वो यहाँ पर राइट की जाती है। तो ये एक स्केल है जो 0 से 14 तक की वैल्यू को क्या करता है, राइट आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डार्क ब्लू कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, 1 molar HCl की बात करते हैं, तो 1 molar HCl क्या होगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, एसिडिक है, तो इसका कलर कैसा होगा, रेड, और पीएच कितना है इसका, अप्रोक्सीमेट 0 इसका पीएच है। तो अगर आप पीएच पेपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको रेड कलर मार्क कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट जो सब्सटेंसेज दिए गए थे एनसीईआरटी में, जो टेबल 2.2 दी गई थी, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर राइट की, और डिफरेंट जो सब्सटेंसेज थे उनका कलर क्या किया, हमने किस तरह का क्लोर प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग हमने राइट कर लिया। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा एसिडिक होगा या कौन सा क्षार कितना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन की जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, जो एसिड होगा, एसिड की स्ट्रेंथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, उसके बेस पर हम एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। और हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ यानी हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, एल्कली सोल्यूशन कितना स्ट्रॉगर है, तो उसको हम किसके बेस पर देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उसमें कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं कि गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्गर और गिवन एसिड इज वीकर, और जो भी है बेसिस और एसिड की बात करें। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 molar, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम क्या करें, मान लो हमने क्या लिया, 100 ml क्या लिया आपके पास, HCl लिया, ठीक है, 100 ml आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और 100 ml आपने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, आपने 100 ml एसिटिक एसिड लिया, 100 ml आपने HCl लिया, तो गिवन सॉल्यूशन में और कंसंट्रेशन भी आपने इसको समान रखा है, ठीक है, कंसंट्रेशन भी क्या रखी आपने इसकी समान रखी, सांद्रता भी आपने समान रखी हुई है, तो किस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, HCl में। HCl में क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि HCl क्या अपने आप में स्ट्रॉन्गर एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड क्या अपने आप में वीकर एसिड है। तो इस ढंग से क्या होगा, जो हमारे पास एसिटिक स्ट्रेंथ थी उसके बेस पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसने हाइड्रोजन आयन किस में होगा, जो 1 molar HCl होगा उसमें ज़्यादा अमाउंट का हाइड्रोजन आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एसिड्स दैट गिव राइज टू मूव हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स, एंड एसिड्स दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी वीक एसिड्स। जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड, और जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, एच आयन क्या होंगे, कम मात्रा में निकलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, वीकर एसिड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकला उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, और जितना कम हाइड्रोजन आयन निकलेगा उतना क्या होगा, उसका वीकर एसिड होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो वो 0 से 1-2 के बीच होगा, 0 to 2 कह दिया हमने, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड है। और कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा तो किसके आसपास जाएगा, 5 से 7 के बीच जाएगा,
ठीक है, 5 से 7 के बीच जाएगा तो ये क्या हुआ अपने आप में वीकर एसिड होगा। तो ये क्या हम यहाँ पर पीएच रेंज के बेस पर हमने इसको एक्सप्रेशन पार्ट किया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं उनका पीएच क्या है और उसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स एच पीएच सेंसिटिव, ठीक है, जो प्लांट्स और क्या है जो एनिमल है पौधे हैं क्या वो पीएच के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते हैं, क्या जो प्लांट है उसमें अगर एसिडिक रेन हो गई तो उससे उसको कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है, या हमारे पास क्या कह रहे हम जो एनिमल है अगर अम्लीय वर्षा हो रही है तो अम्लीय वर्षा से उनको कुछ नुकसान होता है नहीं होता है। तो आपको याद होगा अगर 5.6 से अगर पीएच नीचे आ गया, 5.6 से पीएच की वैल्यू कम आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है एसिडिक रेन हो जाता है, ठीक है, तो अम्लीय वर्षा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट, और बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटी है, हमारे शरीर में होने वाली जो डिफरेंट एक्टिविटी है, तो उसमें जो पीएच रेंज है वो कितना है, 7 से 7.8, ठीक है, इतने पीएच के में क्या होगा हमारी बॉडी सबसे बेस्ट वर्क कर पाएगी। अगर इससे पीएच क्या होगा चेंज होगा तो हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या होगा कुछ ना कुछ क्या होगा नुकसान होगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सजीव है, उन सजीवों का क्या होता है एक नैरो पीएच रेंज होता है, एक निश्चित जो पीएच वैल्यू है उस पीएच वैल्यू में क्या करते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा पीएच होगा तो उनको क्या होता है नुकसान होता है, ये यहाँ इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अगर 5.6 से नीचे पीएच वैल्यू आ गया तो इसे क्या बोलते हम एसिडिक रेन बोलते हैं। तो एसिडिक रेन से क्या होगा डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वाटिक लाइफ्स हैं, तो उनको क्या हो सकता है नुकसान होता है। व्हेन एसिड रेन्स फ्लो इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। इसको मैं बता चुका हूँ क्योंकि एक चेंज ऐसी है ना, बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या होगा जमीन पर पानी आएगा, उसके बाद पॉन्ड्स में जाएगा, लेक में जाएगा, रिवर में जाएगा, ओशन में जाएगा, तो इस ढंग से क्या होगा सारे के सारे जो वाटर बॉडीज हैं वो वाटर बॉडीज क्या होंगी अफेक्ट होंगी, और वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ठीक है, इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल, तो दोनों को क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, उनके लिए क्या होगा जो जीवन यापन करना होगा वो क्या होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो मनुष्य है, प्रजाति है, मतलब हम पृथ्वी की बात करें तो मनुष्य प्रजाति है, या जानवर हैं, या पेड़ पौधे हैं, या पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो उन सबको क्या होगा नुकसान होगा। तो एसिडिक रेंज के तक हमने 5.6 से अगर नीचे पीएच वैल्यू आएगी तो उसे क्या बोलते हैं एसिड रेन। अभी एसिड रेन होती क्या है, क्योंकि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज से क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या होते हैं डिफरेंट ऑक्साइड से प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट गैसें निकलती हैं, अब वो क्या होता है वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिडिक रेन फॉर्म करता है। एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मान लो आपके वाटर NO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, ऊपर से बारिश हुई तो उसमें क्या H2O आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हुआ जो कहां से जो इंडस्ट्री है उनसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास नाइट्रस एसिड बन सकता है, नाइट्रिक एसिड बन सकता है, मान लो हमने क्या बनाया HNO3, तो ये क्या होगा अम्लीय वर्षा होगी। वैसे ही क्या होगा हमारे पास, एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं यहाँ पर रिएक्शन के बेस पर। जैसे एटमॉस्फेयर में क्या था सल्फर डाइऑक्साइड था, ये कहाँ से निकला इंडस्ट्री से निकला, एटमॉस्फेयर में ऊपर से बारिश हुई तो बारिश होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 भी बन सकता है, H2SO4 भी बन सकता है। H2SO3 का नाम क्या है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 का नाम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या है अपने आप में एसिड है। तो ऐसे ही क्या होती है अम्ल वर्षा होती है, ये एसिडिक रेन होती है। एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, यानी जो अन्य उपग्रह हैं, ठीक है, ग्रहों के मतलब जो दूसरे टाइप के जो ग्रह हैं उनमें भी अम्ल उपस्थित होता है नहीं होता है। तो इसको यहाँ पर दिखा गया, द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। आपको पता होगा कि जो शुक्र है, वीनस का मतलब क्या है शुक्र ग्रह, तो शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होता है बहुत ज़्यादा मोटे बादल है, ठीक है, मोटे श्वेत और पीले रंग के क्या है बादल है। अब देखो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है वीनस, शुक्र क्या है पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है, क्या वहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, क्योंकि हम अम्लीय जो वातावरण होता है अम्लीय वातावरण में जीवन यापन करना हमारे लिए मुश्किल है,
या कोई भी जो जीव जंतु है वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जो अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर क्या है, जीवन यापन पॉसिबल है। उसके अलावा कोई जो डिफरेंट प्लेनेट्स हैं, किसी पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी पर टेम्परेचर कम होगा, कहीं पर पत्थर होंगे, कहीं पर कुछ और चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें गॉड का थैंक्स कहना चाहिए कि हम इतने अच्छे प्लेनेट में रह रहे हैं, और हमें अपने प्लेनेट को क्या करना चाहिए, बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसको प्रदूषण से क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक फॉर गॉड, तो हमें अपनी अर्थ को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, आपके घर में जो आसपास जो क्या है बगीचे हैं या फिर आपके जो घर का आंगन है, तो उसका पीएच क्या होता है, क्या वहाँ पर अम्लीय माध्यम है या फिर बेसिक माध्यम, तो इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको अपनी अच्छी ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि करने के लिए क्या होता है, पीएच की एक निश्चित मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम होगा तो उसी में पेड़ पौधे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, या फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बेसिक माध्यम होगा तो वहाँ पर वृद्धि कर पाएंगे। तो एक सर्टेन पीएच में, एक निश्चित पीएच में क्या होता है, पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन एक्टिविटी 2.12। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन व्हिच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम व्हिच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। अब देखो हमने क्या कहा, आप कहीं पर पीएच की वैल्यू को चेक करने के बाद वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं या कौन सी खेती वहाँ पर हो सकती है, कौन सी फसल वहाँ पर अच्छी मात्रा में हो सकती है, तो इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जहाँ पर आपका आंगन है या जहाँ पर आपकी मिट्टी है, जहाँ पर आपके खेत है, तो उसका वहाँ की मिट्टी ले जाइए, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में दीजिए, लेबोरेटरी में आप उसके पीएच को चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पर कौन सी फसल बोनी पड़ेगी या कौन से पेड़ पौधे वहाँ पर अच्छी तरह से वृद्धि कर सकते हैं। मान लो कहीं पर कोई फसल, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहीं पर गेहूं बो रहे हैं, अब वहाँ पर पीएच, वहाँ पर जो भूमि है या वहाँ पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी का पीएच गेहूं के लायक है ही नहीं, तो वहाँ पर तो गेहूं प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक सर्टेन पीएच में ही क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो वृद्धि कर पाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मिट्टी का पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जाके क्या होगा, वहाँ पर जो आप जो क्रॉप या जो फसल को आप उत्पादित करना चाहते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपने गेहूं बोया, पता चला वहाँ की मिट्टी गेहूं के लायक है ही नहीं, तो वहाँ पर गेहूं हो ही नहीं सकता। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी को पीएच चेक करना पड़ेगा। पीएच चेक करने के बाद क्या करोगे, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कौन सी फसल वहाँ पर अच्छी मात्रा में हो सकती है, तो उसको उगा सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास डिफरेंट सॉइल जो होगी, उस डिफरेंट सॉइल का जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है। सैंडी सॉइल होगी तो उसका पीएच अलग होगा, क्ले सॉइल होगा तो उसका पीएच अलग होगा, ठीक है, वैसे ब्लैक सॉइल होगी तो उसका पीएच अलग होगा। तो आपने देखा होगा कि जो इंडियाज़ के डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर सॉइल के हिसाब से क्या किया जाता है, वहाँ पर फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये था हमारे पास कि कैसे जो पीएच है उनकी जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उनकी पीएच को कैसे मेजर किया जाता है, और पीएच जो पेपर है, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर बोलते हैं उसको, तो पीएच पेपर पर किस ढंग से कलर को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। थैंक यू, इसके बाद हम अगला वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।